अपने स्थानीय प्रधान राम सेवक राजभर जी, सचिव श्रीमान अंगद राम जी से आग्रह है कि आप सभी की देख रेख में ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता हुआ अपने अतिथिगण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए इसके तत्काल बाद स्वागत गीत और घंटे कहे कुमार के ऐसे कार्यक्रम होंगे। मैं अपने अमित जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा है उसके निमित्त जो नामित लोग हैं उनको उपलब्ध कराए, आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। इसके तुरंत बाद हम सभी योजनाओं से लाभान्वित ऐसे स्थानीय ग्रामवासियों का मेरी जुबानी मेरी कहानी के तहत विचारों को सुनेंगे ताकि हम सभी जाने कि योजनाएं धरातल पर चल रही है और इस योजना का क्या लाभ है। अमुक व्यक्ति से अपने जीवन को विकसित और खुशहाल बनाएंगे तभी अपना देश भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र घोषित हो सकता है। कि हम सभी के सहयोग से ये कार्य संभव है। अपने अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होती हुई अतिथिगण के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, जो किसी कारणों से उपस्थित नहीं है उपस्थित हो जाए और हम सभी के सहयोग के लिए चाहे आयुष्मान कार्ड से कोई समस्या हो तो उसके विशेषज्ञ वहां बैठे हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का काम देख रहे सियाराम यादव जी हैं, उनसे संपर्क करें। जिनका क्लिकाओं से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करें, हालांकि वरना जो लाभार्थी हैं उनका बना होगा। और हमें धैर्य रखने की जरूरत है, आने वाले समय में लगभग सारे जरूरतमंद लोगों का, और जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले 2011 की जनगणना के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। अब उसमें कुछ सहूलियत देते हुए शासन के द्वारा राशन कार्ड में एक और लेते आइए, एक विशिष्ट अतिथि श्रीमान दीपक सिंह जी का ग्राम प्रधान जी माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। इनके ठीक दाहिने तरफ उपस्थित स्वागत करें, अभिनंदन वंदन करें। इधर देख और विधानसभा का कन्या से तैयारी कर रहे ऐसे श्रीमान राजेश सोम श्रीमान मध्य तिथि जी के बगल में पूरे प्रधान के सुपुत्र और मेरे महामंत्री एक अच्छे डॉक्टर श्रीमान डॉक्टर विजय तिवारी जी का आप लोग अवसर देकर स्वागत करें। जो जानते हैं वे इनके एक तीन सपुत्रों में से एक सपुत्र है, उनका स्वागत करें, अभिनंदन वंदन करें। युवा नेता श्रवण सिंह जी का अपने गांव सभा में स्वागत अभिनंदन वंदन करें। और बासपोर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामकृति बासपोर जी उपस्थित हैं, इनका भी अभिनंदन स्वागत करें। अतिथि देव भव संस्कृति को हम सभी बरकरार रख पाएंगे धरती कहे पुकार के कार्यक्रम के तहत। अपने सेक्रेटरी महोदय श्रीमान लोकप्रिय अंगद राम जी का भी अपने गांव सभा में आप स्वागत करें, अभिनंदन वंदन करें। एक दूसरे के सहयोग से कार्य अच्छा होता है और अपने यहाँ आए हुए अतिथियों का हम सभी को स्वागत करना चाहिए, स्वागत करें। और लोकप्रिय एडीओ पंचायत श्रीमान अभिनंदन वंदन करें और मैं एडीओ पंच का उत्साह वर्धन करें श्रीमान राजकमल जी। मेरा नाम अनिता देवी है, मैं ग्राम किसरुआ की रहने वाली हूँ।
और मेरे समूह का नाम संतोषी स्वयं सहायता समूह है। इस समूह से हमें बहुत फायदा हुआ है और योगी जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। के रहने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक बोला। रहने वाले हैं गुरु प्रसाद हमारा नाम है। हम आवाज सफाए हुए हैं। मोदी और योगी को धन्यवाद। अपने प्रिय प्रधान सुनील तिवारी जी को अपने इस आए हुए कार्यक्रम में अपने सेक्रेटरी जी को भी सम्मानित करते हुए श्रीमान बहुत अच्छा लगा। खसरना तो रहने वाले हैं। हम लोग मोदी जी की तरफ से मिले गैस मिला है। पहले जी का पहले कैसे बनाती थी खाना? पहले कैसे खाना बनाती थी बताइए। बनाए गोईठा से लकड़ी से लोग के धंधा गया कई मोदी जी का गैस मिला। को बताना चाहूंगा और जो भी सप्ताह 26 तारीख के बाद पोर्टल खुलने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन होगा सभी लोगों को लाभ दिलाने का काम हमारी पार्टी और यहां पर उपस्थित अधिकारी करेंगे। मैं एक विषय पर जाना चाहूंगा। ऐसे ही हम लोग की निश्चित भारतीय यात्रा चल रही थी। एक माता हमारे बीच में आई। उन्होंने कहा बाबू हमारा एक साल से हमारी वृद्धा पेंशन नहीं आती है। हम कहे इतनी जानू माता थी कि उन्होंने हमको तत्काल मैं उनसे मांगा कि आपके पास अगर आपका आधार कार्ड हो तो उसको उपलब्ध करा दीजिए। साथ साथ उसके बैंक का पासबुक आपके संबंधित जो खाता है लिखित ऐसा कार्यक्रम हम सभी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। सरकार देखिए हम सभी के बीच में इतना संवेदन सुन रहे हैं। हम सभी की चिंता करती है कि ऐसा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे योजना का हम सभी लाभ ले बगल हो जाए करीब बगल हो जाए अन्य सत्तावन के कई प्रशासन के नाम से सरकार अपने शिक्षकों के द्वारा ग्राम प्रधान ग्राम सेवक राजगंज और सारे शिक्षकों के माध्यम से जनजनी में बच्चे हुए ऐसे कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं। इससे सरकार बाद हम सभी अपने जगह सांसद कैसे रहेंगे इन्हीं लाभार्थियों में से कुछ लाभार्थी सभी के बीच उपस्थित है। उनको स्थानीय सेक्रेटरी श्रीमान रंजन राम जी केंद्रीय पंचायत राजसमन जी के सौजन्य से युग के तिथियों के प्रयोग करेंगे। प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। इस तिथि राजेश शंकर दीपक सिंह रामलखन मौर्या राजनीत जी का सेठ डॉक्टर विजय तिवारी सरवण सिंह अपने ग्राम प्रधान राम सेवक का भाग का निभाए नारायण जी रावण परंतु कुछ चिन्हित लाभार्थियों उसके सुझाव और देश के सबसे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक आत्मनिर्भर 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे भारत माता की हम सभी अपने